हाँ भी नींद के में आई, बढ़िया नींद थी। हमारा अब दोनों का टीका दर्द होने लग गया। ऐसे बाजू को ऐसे उठाओ ना तो ऐसे पेन होते हैं, जैसे जब तुम साइड शोल्डर की एक्सरसाइज मारते हो ना वैसे पेन होती है। हाँ हो रहा है। ये कबूतर है या कुंगी है? पता नहीं क्या है पर बड़ी क्यूट है। हाँ भी हेलो कितना कैंडो सारे, आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नहा दो के रेडी हो गया, लेकिन उनकी मम्मी अभी तक नहीं आई है। सरी ने हालांकि इनकी मम्मी को देखा था, वो फटाफट आई, इनको बस खिला पिला के तीन चार चुनिया चमियाँ करके चली गई। मैंने नहीं देखी इनकी मम्मी। मुझे तो लगता है इनकी मम्मी रहती कहीं और है, इनको यहाँ पर छोड़ गई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। उन्होंने बनाया अभी मटरों और बड़ी वाले चावल जो कि इतने टेस्टी होते हैं ना ऋषि। मम्मा के स्कूल में, मेरे मम्मा को इतने ज़्यादा खाने पसंद नहीं है, कम खाते हैं, पर स्कूल में सब कहते हैं प्लीज़ खिलाओ, प्लीज़ बनाओ, प्लीज़ हमें खिलाओ। और ये मेरे को भी इतने अच्छे लगे, तो अभी हम जा रहे हैं तो मैंने बोला मम्मा को, मम्मा आप अपने वो वाले चावल बना के ज़रूर साथ में दो। मायरू देखो हम नानी हाउस आए हुए हैं, नानी के घर आए हुए हैं। मायरू देखो, मायरू ओए एटीट्यूड अब देखा इसने, जैसे इसको पता हो एटीट्यूड का क्या मतलब है। शैलजी से कट्टी है, कट्टी है। क्यों क्यों कट्टी क्यों है? लेने नहीं आया इसलिए? देख मुंह कैसे बना रखा है। कट्टी है मेरे से। रात के लिए चावल हमने उठा लिए हैं। बाय। मुझे पता है कि जब तक मैं अगली बार आऊंगा आप मुझे दिखोगे नहीं, क्योंकि तुम उड़ना सीख चुके होगे, उड़ चुके होगे। मेरा बड़ा मन है कि मैं इनको ऐसे हाथ से रखूं। ना 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 ड्राम और पीछे आओ। आप पीछे आओ ड्राम। नहीं आप बहुत लाउड बोल रहे हैं। मैं प्यार पीछे। हां पीछे 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 आ रही। मैं प्यार से बोल रही हूं। हेलो ये पानी में रख के जा रही हूं, ये पीते रहना ठीक है। कम पड़े तो मेरी मम्मा को बोल देना, वो दे देंगे तुम्हें। बड़ी जल्दी हो रही थी वापिस आने की, नहीं तो हम रोक तो लेते, लेकिन मम्मा बड़ी जल्दी में थे वापिस आना है वापिस आना है वापिस आना है। आराम ना चला। बाय मम्मा, ध्यान रखना अपना पापा का भी। मम्मी कहेंगे हूँ तू खाएंगी मैनू। बाय मम्मा। टाइम हो रहा है शाम के 6, कल सुबह के 6 बजे हम वहाँ से निकले थे, अगले दिन शाम के 6 बजे यहाँ से निकले। क्या क्या कोइंसिडेंस। हम पूरा पूरा टाइम बताएंगे। अब जैसे ही हम थोड़ा बाहर निकले हैं टेम्परेचर हो गया 44 डिग्री, और वैसे भी फिरोजपुर में कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ती है। फिफ्थ क्लास की बुक में फिरोजपुर का उन शहरों में नाम है जहाँ पे सबसे कम बारिश होती है। सच्ची में? हाँ मुझे नहीं पता था ये। हम बड़े खुश हुए जब बुक्स में हमारे फिरोजपुर का नाम आया था। वो इसलिए बारिश कम होती है। सूप के लिए कद्दू कुद्दू लेके जा रही है ये। यार मुझे सुनने मिला कि यहीं पे खेत होते हैं इनके, यही उग रहे थे, मैंने कहा क्यों ना फ्रेश लिया जाए। ओए ये बहुत कैंट चीज होती है, जब ये रात को खेतों में बढ़ती है ना। हाँ। उस खेत में सोया नहीं जा सकता। आवाज करती है। हाँ सांप की आवाज करती है। एक दिन में इतनी बड़ी हो जाती है? एक दिन में? हाँ। एक किन्नर है? एक किन्नर है? नहीं नहीं एक किन्नर है। किन्नर रुपए किलो होगा? 20 रुपए किलो। आधा किलो कर दो। सरी पंजाबी बोल रही है। मैं चाहती हूँ अंकल को प्रॉब्लम ना हो, मुझे तो आती है। अंकल बोल दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी प्योर पंजाबी बोल। नहीं नहीं बिल्कुल। मैं मेरे को पंजाबी भी आती है, मैंने पंजाबी भी आती है, मैंने हिंदी भी आती है। आती है तेरे को पंजाबी? आती है। किलो करना पड़ती है। हमारे 10 दिन का कोटा पूरा हो गया। अब तो मैं ग्रीन वेजिटेबल्स इतनी लेती हूँ ना घर में, मुझे बहुत अच्छा लगता है सारी ग्रीन वेजिटेबल्स। बैक टू चंडीगढ़, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर है 35 डिग्री, यानी कि फिरोजपुर से यहाँ तक 10 डिग्री का फ़र्क है। हालांकि टाइम का भी फ़र्क है, अभी रात के भी 9:30 हो रहे हैं, लेकिन वहाँ भी शाम के 6 बज रहे थे। इतना ज़्यादा डिफरेंस? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हम जैसे ही एंटर किए ना घर में, हमें एकदम से घर ना लाइक खाली खाली से लगा, क्योंकि मम्मा ना बेड पे ही इसी बेड पे। मम्मा की याद आ रही है क्योंकि मम्मा ना इस साइड सोते थे और इस साइड ही रहते थे, तो वो एकदम से ऐसे लग रहा है खाली लग रहा है, अच्छी सी फील नहीं आ रही है ना। बस हो रहा है कि हाँ मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग, मिस यू मम्मी। अभी मैंने मम्मा को फ़ोन किया है मिस यू बोलने के लिए, वो मेरे से बोला नहीं गया क्योंकि ना वो सो रहे थे। फिर ऐसे रहता है ना कि माइंड में एक थॉट आ जाता है, बच्चे मिस कर रहे हैं, एक तो चैन से सो रहे थे इसलिए मैंने बोला नहीं।
पर अब जब ये देखेंगे तो ऑब्वियसली तब तो अपने दिन विन में आएंगे तो इतना ध्यान वो नहीं होगा। अभी आराम से सो रहे थे सर, अब इन्फॉर्म करने के लिए फ़ोन किया था कि सो अभी हम खा रहे मम्मा के हाथ के राइस, हम बड़ा मिस कर रहे हैं मम्मा को, है ना। जैसे ये सुबह उठी ना, सबसे पहला ख्याल इसको आया कि मम्मी बाहर गैलरी पे बैठे हैं, क्योंकि मम्मी यहीं पे बैठे होते थे ऐसे हम तीनों बैठ के पानी पीते हैं। हम इसी जगह पे तीनों बैठ के पानी पीते हैं ना। मैं भी उठा ना, तो मैं उठ के मैं शुरू में आता था, मम्मी ये येलो सोफा ये पीछे पड़ा है इस यहीं पे बैठे होते थे या बाहर बैठे होते थे, है ना, या बाहर बैठे होते थे। तो मैं आया तो मुझे थोड़ा सा ना वो लगा खाली, मतलब कि ना कैसे बताऊँ कि जैसे अब हम यहाँ पे काम करने आए, मुझे ऐसे लगा कि हम यहाँ पे काम करने आए हैं। हाँ, वहाँ रहते थे। हाँ, समझ रहे मेरी बात। एक बार बाहर चलो, बाहर बड़ी तगड़ी, एक बार चीज दिखानी बड़ी तगड़ी, जल्दी चलो प्लीज, चलो 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 सच बताओ। ओ यार मैं अभी बालकनी, जल्दी 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 चलो, जल्दी जल्दी चलो जल्दी। देखो कैसे बिजली कैसे कड़क रही है, अंदर ही रहो आप, अंदर ही रहो। अरे गाड़ी में अंदर लगानी है भाई, हमारी गाड़ी में बाहर लगी है। ये देखो ऋषि अपने घर कर गई, वो देखो जाऊं गाड़ी अंदर लगाऊं। ऋषि इस साइड से गए और स्टीयरिंग उस साइड है। नहीं ना थोड़ी था फटाफट बाहर मेरे को तो आप इस स्टीयरिंग उस साइड थी, आप बैठे इस सीट पे उधर उधर गए ना, मैंने देखा। अभी मुझे शूटिंग शुरू करनी है, आज का दिन मेरा सारा शूटिंग में गया, उठे नहाए शूटिंग की, फिर थोड़ी देर रेस्ट की, अब फिर मैं दोबारा फ्रेश हुआ, फिर दोबारा शूटिंग करनी है। मैं थोड़ा ये तूफान वगैरह बंद हो जाए, वो बंद होने की वेट कर रहा था ताकि साउंड थोड़ी ख़राब ना हो। लेकिन वैक्सीन का इफेक्ट कुछ इतना हुआ नहीं हमें, ऑलमोस्ट 48 आवर से भी ज़्यादा हो चुके हैं, वैक्सीन का कोई इतना इफेक्ट हुआ नहीं जैसे मैंने सोचा था होगा, ना मुझे हुआ ना शरीर को हुआ, बस हल्की सी जहाँ पर टीका लगा उसे दबाओ हल्की सी पेन है बस। वो ये था जी अपना आज का ब्लॉग, पसंद आया लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले ब्लॉग कुछ नवी